वेलकम स्टूडेंट्स। कल सर ने आप लोगों को बताया था, साहब सर ने बताया था कि फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं विद आउट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टर क्या होता है पहले लोअर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हम लेते हैं 60 डिजिट है, हम करेंगे 2 into 30, 1 into 60, 3 into 20, 4 into 15, 5 into 12, 6 into 10। तो हम बता सकते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या चीज होती है। हमारे पास एक मार्कर है, मार्कर बहुत सी चीजों का बना है। एक तो इसमें कैप लगी होती है, निब लगा होता है, बॉडी लगी होती है, उसके बाद में इंक डालना पड़ता है। जब ये सारे एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक मार्कर बन जाते हैं। ऐसे ही 60 है, 1 into 60 करेंगे तो 60 बन जाएगा, 2 into 30 करेंगे तो 60 बन जाएगा, 3 into 20 करेंगे तो 60 बन जाएगा, 4 into 15 करेंगे 60 बन जाएगा, 5 into 12 करेंगे 60 बन जाएगा, 6 into 10 करेंगे 60 बन जाएगा। अगर वाइस वर्सा करेंगे 60 को 1 के साथ, 30 को 2 के साथ, 20 को 3 के साथ, 15 को 4 के साथ, 12 को 5 के साथ और 10 को 6 के साथ, तो 60 निकल के आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि इसके फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स 60 के फैक्टर्स जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 फैक्टर्स। फैक्टर्स में एक चीज हमें याद रखनी होती है कि रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। 2 के साथ डिवीजन करेंगे 60 का, 3 are 6, 60 को करेंगे 12 के साथ, 0। जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करेंगे उसके छोटे हिस्से के साथ रिमाइंडर 0 निकल के आएगा तो उसे हम फैक्टर कहेंगे। फैक्टर में ये शर्त जरूरी है कि रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। नंबर्स में सता, अब हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बताएंगे कि हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। हमारे पास मान 10x होता है, 9xy होता है, 6xyz होता है, जिसमें नंबर भी हो, इसमें लेटर्स भी हो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, फिर भी पढ़ना है कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स और लेटर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हम इनकी फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे x 10 into x, ये 9 into x into y, 6 into x into y into z, और भी छोटे हिस्सों में हम इन्हें तकसीम कर सकते हैं। 10 को कर सकते हैं 2 into 5 into x, 3 into 3 into x into y, 2 into 3 into x into y into z, 3 into 3 into x into y into z, 4 into 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 4
जो चीज हमें निकल के आएगा हम निकाल सकते हैं, उनको हम लाइफ टर्म बताते हैं। लाइफ टर्म्स, और जो चीज हम ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, दो चीजों का यहां पे ध्यान देना है, एडिशन
और सब्ट्रैक्शन का, जो चीज हम ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उन टर्म को हम बताते हैं अनलाइक टर्म्स, जो ना ऐड हो जाएंगे ना सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पहले इन दोनों में से लेंगे एक्स है एक्स है तो ये दोनों लाइक टर्म, बाकी जो सारे टर्म रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, इसमें से उठाएंगे और इसमें से उठाएंगे। थ्री भी है, थ्री भी है, एक्स भी है, एक्स भी है, वाई भी है, वाई भी है, तो इन दोनों में से हमारे निकल आएगा थ्री एक्स वाई, जो हम निकाल सकते हैं, तो इससे भी हमारी फैक्टराइजेशन निकल के आएगी अनलाइक टर्म्स। कॉमन टर्म निकाल के हमें बताना है कि हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। और एग्जांपल देंगे कॉमन टर्म निकाल के, अगर हम लेंगे 10x, अगर हम लेंगे 5xy, 25x, इन तीनों में से हमें निकालना है कि फैक्टराइजेशन करके कि इनका जो लाइक टर्म है कॉमन कैसे कर सकते हैं हम। 2 × 5 × x, 5 × x × y, 5 × 5 × x, जो तीनों में होगा, एक तो ये है x है तो हम बता सकते हैं 5x, ये इनके कॉमन टर्म निकल के आए। अब हमें कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लिखने हैं, आप फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल वे में हम सीखेंगे, सिंपल वे में फैक्टराइज करना है x² + x y + 8x + 8y। x² + x y + 8x + 8y, पहले हम इन दोनों की निकाल देंगे, उसके बाद की निकाल देंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। इस पार्ट में हम वही एक उठाना है जिसकी डिग्री कम होगी, यहां पे x है x स्क्वायर है तो जो छोटा वाला होगा जिसकी डिग्री कम होगी वही हमें निकालना है, तो हम यहां पे निकालेंगे x, फिर इन दोनों में रहेगा अंदर ये एक ही रहेगा x, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, x × x x² यहां पे निकल गया है, प्लस इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो हम निकाल देंगे 8, फिर जो रेस्ट निकलेगा x+, यहां भी हमारा x + y है, यहां भी हमारा x + y है, तो हम और कॉमन निकाल सकते हैं x + y × x + 8। ये सारे का हमने जो फैक्टराइज किया है वो इस तरह निकल के आया है x + y × x + 8, बहुत इजी है। पार्ट नंबर 2 हम करेंगे 15xy − 6x + 5y − 2। 15xy − 6x + 5y − 2, आगे जाके हम पढ़ लेंगे एसोसिएटिव लॉ, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है 7th के एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ x + y = y + x, एग्जांपल 2 + 3 = 3 + 2, हम इनका भी चेंज कर सकते हैं, इनका भी हम चेंज कर सकते हैं।
अगर चेंज ना करे, अगर चेंज ना करे इजी वे से हम फिर भी निकाल सकते हैं। इन दोनों में से हमें निकालना कॉमन करना है, फिर इन दोनों में से कॉमन करना है। इसमें हम कॉमन कर सकते हैं 5 × 3 × x × y − 2 × 3 × x + 5 × y − यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 हम कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, 3x हमने कॉमन। जो हमारा रेस्ट बचता है, यहाँ पे 5 बचता है और y बचता है। यहाँ पे हमारा जो बचता है 3 भी आ रहा, x भी आया, माइनस 2 अभी नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों में से कॉमन करना है। पहले हम लिख लेंगे 5y − 2, कोई कॉमन नहीं आएगा तो फिर 1 आएगा। हम लिख सकते हैं इन दोनों में से फिर कॉमन करके 5y − 2 यहाँ भी है, 5y − 2 यहाँ भी है, तो 5y − 2 कॉमन निकाल के हमारा बचता है 3x + 1। ये हमारा आंसर निकल के आया। हमने फैक्टराइजेशन कर दी कॉमन निकाल के, तो हमारा ये निकल के आया 5y − 2 × 3x + 1। सिंपल सा करना है, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने के बाद हमें देखना है कॉमन कौन सा है, जो यहां पे भी आता है 12x में भी आता है, 36 में भी आता है, वही कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो 12 निकल के आया, जो कि इसमें भी है। हमारा और एक बात है 2y − 22x, 2y है, 22xy है, हम यहां निकालेंगे 2 × y, यहां पे निकालेंगे 2 × 11 × x × y, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, y यहां है, तो हमारा कॉमन फैक्टर जो निकल के आया 2। और एक क्वेश्चन है हमारा 7x − 42, हम यहां पे लिखेंगे 7 × x − 7 × 6, 7 कॉमन करके
एक्स माइनस सी ये और हम अंदर पार्ट करेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर टू सिक्स पी माइनस ट्वेल्व क्यूब जो हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू पी माइनस टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू क्यूब यहाँ पे हमारा कॉमन टू टू थ्री थ्री हम लिखेंगे सिक्स थ्री दोनों का। थैंक यू क्लास, रेस्ट जो है वो हम कल कर लेंगे, इसके आगे क्वेश्चन होगा।